ग्वालियर में प्रॉपर्टी डीलर, उसकी पत्नी और बेटी की हृदय विदारक मौत के बाद मृतक के परिजनों ने बरादरी चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने सुसाइड नोट में जिक्र किए गए व्यक्ति को आरोपी बनाने और जल्द उसकी गिरफ्तारी के साथ उसका मकान तोड़ने की मांग की है। चक्का जाम और हंगामे की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। इसके बाद आक्रोशित परिजनों और पुलिस के बीच लंबी बातचीत के बाद आखिरकार उनकी सभी मांगों पर आश्वासन देकर मामले को शांत कराया गया। दरअसल शहर के हुरावली इलाके में प्रॉपर्टी डीलर जितेंद्र झा और उनकी पत्नी त्रिवेणी और बेटा अचल की मौत का मामला रविवार को सामने आया था। तीनों के ही शव घर में फांसी पर लटके हुए मिले थे। उनके हाथों की नसें कटी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच ही कर रही थी, तभी पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिसमें मृतक जितेंद्र ने अपने प्रॉपर्टी कारोबार में साझेदार देवेंद्र पाठक को अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार बताया। घटना को 24 घंटे से ज्यादा हो जाने के बाद भी जब देवेंद्र पाठक को पुलिस ने नहीं पकड़ा, तब मृतक जितेंद्र के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मुरार क्षेत्र के बरादरी चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम पर बैठे मृतक के भाई का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसके मकान को तोड़ा जाए। आश्वासन ये दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और थोड़ा बहुत उन्होंने मुआवजा का भी बोला है और हम तो ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो, हत्यारे गिरफ्तार किए जाएं और उनके मकान तोड़े जाएं। सबसे बड़ी बात यह योगी वाला सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे, साले जे भक्ते फिरेंगे गुंडे लोग। वजह क्या सामने निकली, सुसाइड नोट में क्या लिखा था, क्या वजह? सुसाइड नोट में पुलिस को सब मालूम है क्या लिखा था। देवेंद्र पाठक का नाम है उसके अंदर। कौन है ये? और ये मेरे को नहीं मालूम कौन है क्या है। पुलिस अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस अधिकारी का कार्रवाई चल रही है और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। मौके पर विधायक भी आए, विधायक द्वारा क्या कहा? विधायक द्वारा जो आश्वासन दिया गया है कि सहायता राशि दी जाएगी इनकी माँ को। चक्का जाम की खबर सुनकर मौके पर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार भी पहुंच गए। कांग्रेस विधायक सिकरवार ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि मृतक परिवार की मां के लालन पालन के लिए उन्हें मुआवजा भी दिया जाए। इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है, घटना हुई है और इसके कारणों की जाँच पुलिस कर रही है और घटना दुखद है। मैं इस घटना करता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूं घटना की न्यायिक जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, पीड़ित परिवार को शासन से मुआवजा मिले, क्योंकि मां का जो पालनहार था, जो बेटा है उसका बेटा और नाती और बहू तीनों खत्म हो चुके हैं। अब मां के लिए असहाय है, विधवा है पहले से, तो उनको भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वेच्छा अनुदान राशि से उनको सहायता राशि मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा माँ को, जिससे माँ का जीवन पूर्ण हो सके और जो घटना में दोषी हैं उनके खिलाफ पुलिस तत्काल कार्रवाई करे, जो भी मामला है उसकी न्यायिक जांच करके पुलिस कार्रवाई करे। यही लगा है कि इसमें न्यायिक जांच होना चाहिए, घटना में जो दोषी है उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई होनी। क्या आश्वासन मिला भी? नहीं, SP मीना साहब ने आश्वासन दिया है कि जो होगा न्याय होगा। मृतक जितेंद्र का शव रखकर काफी देर तक चक्का जाम और हंगामा चलता रहा। इस बीच काफी देर तक पुलिस आक्रोशित मृतक के परिजनों को समझाती रही। पुलिस ने बताया कि आरोपी देवेंद्र पाठक अपने पूरे परिवार के साथ इधर से गायब हो गया है, लेकिन जैसे ही वो पकड़ में आएगा वैसे ही इस घटना की असल वजह भी सामने आ जाएगी। पुलिस लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने मृतक के परिजनों को उच्च स्तरीय जाँच का आश्वासन दिया और जो भी वैधानिक कार्रवाई बन पड़ेगी वो आरोपियों पर करने का भी आश्वासन दिया है। सिरोल थाना अंतर्गत हुरावली में एक बड़ी हृदय विदारक घटना हुई थी। एक ही परिवार के तीन सदस्य उनके मकान में हैंगिंग करते हुए मिले थे, तीनों शांत हो गए थे। उसमें खुद SP साहब मौके पर पहुंचे थे, पूरी हमारी टीम मौके पर थी, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनको बुलाया गया था, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है उनको बुलाया गया था और जो हमारे डॉग स्क्वाड है K9 का टीम उसको भी बुलाया गया था। पूरा जो घटना स्थल है उसका बहुत ही बारीकी से हमने निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद में उसमें जो भी तथ्य हैं उस हिसाब से हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी है। इसमें एक जो सुसाइड नोट मिला था उस सुसाइड नोट के आधार पर एक जो संदिग्ध है उसको हम लगातार तलाश कर रहे हैं। वो अपने परिवार के साथ में अभी यहाँ से गायब है, अपने मकान में उसने ताला लगा के गायब हुआ। तो जब वो संदिग्ध मिलेगा उससे इंट्रोगेशन होगा, पूछताछ होगी, उसके बाद में कुछ पहलू हैं जिनके जवाब मिलेंगे तो उन पर आगे कुछ कार्रवाई अगर बनेगी तो हम उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
परिजन जो परिजन है उनको अभी जो जाम था वो हटा दिया है, उनको पूरा आश्वासन दिया है कि अगर इसमें 306 का अपराध बनेगा तो 306 का हम अपराध करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर और किसी भी तरीके के कोई तथ्य आएंगे तो उस हिसाब से धारा बढ़ा के वैधानिक कार्रवाई। शहर में हुए इस दिल दहला देने वाली घटना में अभी भी ये साफ नहीं हुआ कि माता पिता और उनका 12वीं कक्षा का बेटा आखिरकार सामूहिक रूप से फांसी पर क्यों झूल गया। सुसाइड नोट में मृतक पिता ने अपने बेटे को अपनी ही साझेदार के द्वारा परेशान किए जाने की बात क्यों लिखी, ऐसे में मौत की साफ वजह सामने निकलकर नहीं आ पा रही है। हालांकि जब पुलिस आरोपी देवेंद्र पाठक को पकड़कर पूछताछ करेगी तब कहीं जाकर इन मौतों के पीछे की कहानी पर से पर्दा उठ पाएगा। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।